आप सभी का स्वागत है दोस्तों सरजी क्लासेस में। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग विजयक स्टील के प्रीवियस ईयर में जनरल इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, कि जैसे कि आपको आइडिया हो जाए कि जो क्वेश्चन थे इंग्लिश में वो किस टाइप से पूछे गए थे और वो कौन से पोर्शन थे कि जो क्वेश्चन आपके आए हुए थे। तो आप लोग इसको अच्छे से देखना, और इससे पहले भी देखिए हमने जनरल अवेयरनेस का एक सेट आपको कराया हुआ था, तो आप लोग उसको भी देख लेना। हमने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है विजय स्टील के लिए। और देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट जो पोर्शंस है जीके का, तो वो हम आपको लाते रहेंगे अपने चैनल पे। आप लोग बने रहें हमारे चैनल के साथ, और साथ में इंग्लिश का भी जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे तो वो भी हम आपका करा देंगे। तो इससे कि आपका क्या है कि जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है तो उनका आपको तैयारी हो जाएगा, और बाकी सारे जो और भी जो वीडियोस है तो उनका हमने देखिए ऑलरेडी कोल इंडिया लिमिटेड के लिए बना दिया है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। और इससे पहले भी हमने एक स्ट्रेटेजी रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ था, तो इसमें कि हमने आपको पूरे टॉपिक से कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, तो वो भी हमने आपको बता दिया है। तो आप लोग उसको देख लेना, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा एग्जाम का। तो चलिए, इसमें हम लोग देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पुराना जो सेट था तो इसमें 25 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे इंग्लिश के। तो इस हिसाब से इंग्लिश भी है जो आपका इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट है, जो आपको काफ़ी अच्छा स्कोर दिला सकता है। बस आपको अच्छे से स्टडी करना होगा और सारे टॉपिक्स का। और इसका हमने देखिए जो जो नोट्स है वो हमने ऑलरेडी कोल इंडिया लिमिटेड के लिए प्रोवाइड कर दिया था, तो आप लोग उसको यदि उसको भी कर लेते हैं तो वो अभी आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं तो वो सारे उन्हीं टॉपिक में से आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे क्वेश्चन आपका है, पहला है कि इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपका दिया हुआ है कि इन दीज क्वेश्चंस चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस टू फिल द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे 1 से 5 तक पूरा में आपको अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस है जो आपको फिल करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि ही इज़ गोइंग टू रिमेन हीयर डैश यू कम। अब यहाँ पे जैसे आपको प्रीपोजिशन फिल करना है यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे आपको टिल है, बिफोर है, आफ्टर है और अनलेस है, तो यहाँ पे कौन सा फिट होगा आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें आपको टिल और अनलेस है, तो ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन सा हम फिल करेंगे, और यहाँ पे यही तो आपका फिल हो सकता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको दोनों का मतलब समझना होगा, जैसे टिल का और अनलेस का। तो देखिए, टिल का जो मतलब होता है यहाँ पे, हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग कि तब तक, और अनलेस का मतलब होता है कि जब तक। तो जनरली जो टिल है तो ये रेफर करता है कि जैसे कोई एक टाइम होता है, यानी कि कोई एक टाइम थ्रेशोल्ड है जो अभी तक वो क्रॉस नहीं हुआ है, और अनलेस का ये कंडीशन ऐसे रेफर करता है कि वो अब तक मेट नहीं हुआ है। तो इन दोनों को संदर्भ में आपको यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि ही इज़ गोइंग टू रिमेन हियर डैश यू कम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंडीशन दे दिया जा रहा है कि जो अभी मेट नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे अनलेस का यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि अनलेस का मतलब होता है कि जब तक कि तुम नहीं आओगे वो यहीं पे रहने वाला है। तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेट नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये समझना होगा कि क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस में, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन में कि दे ग्रॉसली डेफर्ड डैश वन अनदर ऑन दैट पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए, आपको डेफर्ड के साथ इसमें यूज़ करने को मिला है यहाँ पे। तो देखिए, डेफर के साथ हम लोग 3 तरह से यूज़ करते हैं। एक आपका होता है डेफर फ्रॉम, एक आपका होता है इसमें कि डेफर ऑन, और एक होता है डेफर विथ के साथ। तो इन तीनों को आपको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे समझना होगा। तो देखिए, डेफर फ्रॉम का हम लोग यूज़ करते हैं कि जैसे कोई चीज़ से अलग होने का बात कही जाती हो, तो वहाँ पे डेफर फ्रॉम का यूज़ करेंगे। और डेफर ऑन का मतलब होता है कि जैसे कोई पॉइंट पे, यानी कि जैसे कोई मुद्दे से अलग होता है या फिर हम मत रखते हैं, तो वहाँ पे डेफर ऑन का यूज़ किया जाता है। और डेफर विथ का यूज़ करते हैं हम लोग किसी पर्सन के साथ, यानी कि जैसे किसी व्यक्ति के साथ हम अलग मत अपना होता है, तो वहाँ पे हम लोग डेफर विथ का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि दे ग्रॉसली डेफर्ड, अब यहाँ पे वन अनदर आपका है, तो यहाँ पे पर्सन आपका पहले आ रहा है, लेकिन बाद में आपका यहाँ पे आ रहा है कि ऑन दैट पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए, डेफर ऑन दैट पॉइंट, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन तो सही है, लेकिन आपको यहाँ पे फिल करना है क्या होगा। तो यहाँ पे सेंस दिया हुआ है कि दे ग्रॉसली डेफर्ड ऑन वन अनदर, तो यहाँ पे पर्सन के बारे में बात कही जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, विथ का यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर आपको क्या होगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जितने भी प्रीपोजिशंस है तो जो इसके प्रॉपर जो यूजेज होते हैं तो ये आपको समझना होगा। और ये चीज़ हमने ऑलरेडी जो नोट्स हमने बनाया हुआ था कोल इंडिया लिमिटेड के लिए, तो उसमें आपको ये सारे वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, तीसरा नंबर का है कि आई मस्ट स्टार्ट डैश डाउन टू रीच द स्टेशन इन टाइम।
अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपको प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज़ करना है कि यहाँ एट डाउन होगा या बाय डाउन होगा या विथ डाउन होगा या इन डाउन होगा, तो जैसे यहाँ पे कोई एक प्लेस के बारे में बात कही जा रही है, छोटे से जगह के, कि हमको वहाँ पे आई मस्ट स्टार्ट डाउन, वहाँ से स्टार्ट करना होगा हमको कि स्टेशन हमको पहुँचना है इन टाइम में, तो यहाँ पे देखिए जैसे टाइम के साथ हम लोग इन का यूज़ यहाँ पे जो करेक्ट यूजेस तो है, लेकिन आपको यहाँ पे यूज़ करना है इसका। तो देखिए यहाँ पे जब छोटे जगह के लिए यूज़ जब करते हैं हम लोग, तो ऐट का वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, और इन का जो यूज़ करते हैं हम लोग तो वो कोई बड़े जगह के लिए यूज़ करते हैं, कि जैसे एक एग्जांपल होता है ना कि आई लिव एट अयोध्या नगर इन मुंबई, तो वहाँ पे जैसे आपको ऐट छोटा जगह हो गया और इन क्या हो गया, बड़ा जगह हो गया, तो यहाँ पे प्रॉपर जो यूज होगा तो आपको ऐट का हम लोग इसमें यूज़ करेंगे कि आई मस्ट स्टार्ट एट डाउन टू रीच द स्टेशन इन टाइम। फिर देखिए अगला है, इसमें भी आपको प्रीपोजिशन ही फिल करना है, 1 to 5 का प्रीपोजिशन ही फिलर था इसमें, कि ही वॉज अप्राइज्ड डैश द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ऑन द बैटल फ्रंट। अब यहाँ पे देखिए जैसे आपका अप्राइज्ड आपका दिया हुआ है, तो अप्राइज के साथ हम लोग ऑफ का यूज़ करते हैं, तो अप्राइज ऑफ का मतलब होता है कि जैसे के बारे में सूचित करना, किसी चीज़ के बारे में सूचित करना, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि जैसे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट जो भी बैटल फ्रंट पर हो रहा है तो उसे सूचित करना, तो यहाँ पे अप्राइज्ड के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। अब इसमें देखिए जब तक आप लोग प्रॉपरली जो प्रीपोजिशन का यूज़ जो किया जाता है या फिर जो इसके साथ कॉम्बिनेशन में जो यूज़ किए जाते हैं, तो यदि आप लोग इसको नहीं जाने रहिएगा तो यहाँ पे आप कुछ भी फिल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपको लगेगा कि जैसे ये भी सही हो सकता है कि ही वॉज अप्राइज्ड अबाउट, ये ही वॉज अप्राइज्ड फॉर, तो इस तरीके से नहीं, आपको प्रॉपर जो इसके साथ में जो यूज़ किए जाते हैं कोई भी जो वर्ड आपका होता है उसके साथ में ऑफ का या ऑन का, तो ये चीज़ आपको समझना होगा और इसको याद भी करना होगा। तो ये सारे चीज़ हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया हुआ है और इसका हमने वीडियो भी आपको दिया हुआ है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं वहाँ पर अच्छे से सीखने के लिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि दिस इज़ एन एक्सेप्शन डैश टू द जनरल रूल। अब यहाँ पे भी देखिए आपको जैसे एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन के साथ हम लोग यहाँ पे टू का यूज़ करते हैं, कि जैसे किसी चीज़ के साथ यदि अपवाद होता है वहाँ पे, तो उसके साथ हम लोग वहाँ पे टू का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे भी जैसे सेम चीज़ है कि जैसे जनरल रूल से यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि अपवाद ही हो रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इसमें एक्सेप्शन टू का यूज़ करेंगे, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 to 8 है, तो इनमें से यहाँ पे दिया हुआ था कि आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द बेस्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इटलसाइज्ड बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे देखिए ये सारे जो बोल्ड पार्ट आपको जो दिया गया, जो कि इटलसाइज बोर्ड में आपको लिखा गया है इसमें, और उसका आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट बेस्ट जो मीनिंग क्या हो सकता है वो आपको इसमें से बताना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे दिया हुआ है कि अ कॉन्सेंशियस वर्कर इज़ ऑलवेज एडमायर्ड बाई हिज एम्प्लॉयर्स। अब यहाँ पे देखिए आपको जैसे कॉन्सेंशियस का आपका दिया हुआ है, तो इसका आपको मीनिंग सबसे पहले समझना होगा, और उसका जो यहाँ पे जो जो इसका जो करेक्ट जो मीनिंग आपको देना है यहाँ पे, यानी कि यह जो सिमिलर जो बताना है आपको बेस्ट जो मीनिंग इसका, तो वो आपको इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही बताना होगा। बट यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि जैसे कॉन्सेंशियस का मतलब क्या होता है। तो देखिए इसका मतलब होता है कि जैसे हम कोई चीज़ वर्क में, कोई वर्क हो उसमें हम बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं हम अपना करने के लिए, या इसका दूसरा मीनिंग होता है कि जैसे एक अपना मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं किसी भी काम को करने के लिए, और जहाँ पे हम लोग अपना जो कॉन्शियसियस मतलब होता है कि अपना हम जैसे अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं कि कोई चीज़ वर्क को किस तरीके से बेस्ट तरीके से करना होगा, तो ये इसका करेक्ट मीनिंग होता है। तो यहाँ पे जैसे आपका जो कॉन्शियसियस है, तो इसमें जो आपका सिंसियर जो वर्ड आपका दिया हुआ है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब इसमें देखिए जैसे आपको ओबीडियंट है, तो ओबीडियंट मतलब होता है कि आज्ञाकारी होना, यानी कि कोई अगर आपको कुछ भी कहे तो आप लोग उसको पूरी तरह से करने के लिए तैयार होते हैं, भले वो कोई भी टाइप का वर्क हो। लेकिन कॉन्शियसियस का मतलब होता है कि जैसे आप लोग कोई चीज़ बोला जाए कि कोई चीज़ करने के लिए, तो उसमें आपको अपना भी विवेक लगाना होता है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी वो जो बोला जाए वो आप लोग तुरंत कर दीजिए, तो वो चीज़ ओबीडियंट में नहीं होता है, वो आपका सिंसियर में आ जाएगा। सिंसियर का मतलब भी होता है कि जैसे जो चीज़ आपको बोला जाए तो आप लोग उसको करते हैं, तैयार रहते हैं करने के लिए, लेकिन उसमें आप लोग अपना भी उसमें विवेक का इस्तेमाल आप लोग करते हैं, तो कॉन्शियसनेस का सिमिलर मीनिंग यहाँ पे भी आपका आता है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी आपका हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए अगला दिया हुआ है कि स्पोरोडिक राइज इन हीज टेम्परेचर हैज़ काउज अस मच वरी। अब यहाँ पे आपका जैसे स्पोरोडिक दिया हुआ है आपका, तो देखिए स्पोरोडिक का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ ओकेजनली अकरिंग होती है, या फिर वो सिंगल, या फिर कोई एक सिंगल टाइम होता है, या फिर इरेगुलर इंटरवल पे होता है, यानी कि उसमें रेगुलरिटी नहीं रहेगा। तो स्पोरोडिक का यहाँ पे आपने मीनिंग समझा होगा, तो अब आपको यहाँ पे ऑप्शन में से बताना है कि जो बेस्ट
जो बेस्ट इसका क्या हो सकता है, जो कि नियरेस्ट मीनिंग होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसमें आपका जैसे दिया हुआ इरेगुलर, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें आपको जैसे एक सम का आपको दिया हुआ है, तो एक सम का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ आपको इरिटेट करता है या फिर आपको एनवाइंग करता है, तो इसका राइट राइट मीनिंग क्या आपका होगा, इरिटेटिंग हो जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखना इसको। बट यहाँ पे स्पोरोडिक का मीनिंग पूछा गया था, तो जिसका मतलब होता है कि जो कि ओकेजनली अकरिंग होता हो, या फिर सिंगली अकरिंग होता है, या फिर इरेगुलर बेसिस पे अकरिंग होता होगा। तो इसीलिए राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा, इरेगुलर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, अगला आपका दिया हुआ है कि देयर वॉज ऑलवेज एन इमिनेंट डेंजर ऑफ द फॉलिंग ऑफ दैट डैमेज रूफ। अब यहाँ पे जैसे इमिनेंट आपका दिया हुआ है, तो देखिए इमिनेंट का मतलब होता है कि जो अबाउट टू हैपन, होने की वो होने ही वाला हो, जो इवेंट हो या फिर कोई चीज़ हो जो होने ही वाला हो, तो इमिनेंट का मतलब का क्या हो जाएगा, अबाउट टू हैपन। अब इसमें देखिए आपका जैसे कि दिया हुआ है कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, इम्पेंडिंग दिया हुआ है, रिमोट दिया हुआ है, और फेवरेबल दिया हुआ है। तो इसमें जो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आपका इम्पेंडिंग दिया हुआ है, तो इम्पेंडिंग का मतलब ही होता है कि जो होने वाला हो, यानी कि टू बी अबाउट टू हैपन। तो आपको थोड़ा सा देखिए इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं, तो उसको आपको समझना होगा कि किस संदर्भ में उनका यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 9 से लेके जो 10 तक है आपका इसमें, तो इसमें आपको जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया कि इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन रिप्लेस द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड इन द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यानी कि जो बोल्ड में आपका यहाँ जो प्रिंटेड है, तो उसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है कि जो इसमें रिप्लेस कर सकता है, और उसमें बिना उसका मीनिंग को चेंज करते हुए। तो यहाँ पे जैसे आपका दिया हुआ है कि कैचिंग स्नेक कैन बी हजार्डस फॉर पीपुल अनट्रेंड इन द आर्ट। अब यहाँ पे जैसे हजार्डस का आपको मीनिंग बताना है, तो देखिए हजार्डस का मतलब होता है कि जो चीज़ रिस्की हो या फिर डेंजरस हो, जो खतरा जिससे आपको हो सकता है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो आपको हमेशा खतरा आपको हो ही, लेकिन वो क्या है कि रिस्की हो सकता है, उसमें उस काम को करने में वहाँ पे आपको जैसे कि हार्म आपको पहुँचाया जा सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे हजार्डस का जो करेक्ट जो मीनिंग होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा। ऑप्शन इनका ऑप्शन नहीं, आपको क्या होगा, करेक्ट होगा। अब इसमें देखिए आपको हार्मफुल दिया हुआ है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो दो हार्मफुल का मतलब होता है कि जो आपको नुकसान पहुंचाएगा, तो वो नुकसान पहुंचाएगा तो वो हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। लेकिन हजार्डस का मतलब होता है यहाँ पे वो खतरा हो सकता है आपका। तो आपको यहाँ पे करेक्ट जो मीनिंग है वो आपको बताना है। जैसे कि कैचिंग स्नेक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह हजार्डस हो सकता है कि जो अनट्रेंड होता है आर्ट में। तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा हार्मफुल पहुंचाएगा ही, यानी कि उसको नुकसान होगा ही होगा। ये केवल क्या है कि हजार्डस हो सकता है, यानी कि रिस्की हो सकता है। तो इस तरीके से डेंजरस ही क्या होगा, इसका राइट आंसर आपको होगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अंतर करने आना चाहिए, उसी के बाद ही आप लोग आंसर तक आ सकते हैं। फिर देखिए अगला आपका है कि द एबरेशन इन द इंडियन इकोनॉमी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ इट्स पॉलिटिकल मास्टर्स। अब यहाँ पे जैसे एबरेशन आपका दिया हुआ है, तो देखिए एबरेशन का मतलब होता है कि जैसे टेम्पररी चेंज होना कोई भी जैसे टिपिकल या फिर जो यूजुअल जो बिहेवियर होता है उसके उस पे उसके में। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ आपका दिया हुआ है कि जो एबरेशन है, यानी कि इसमें जो स्लाइटली कुछ भी चेंज हो रहा है, यानी कि डेविएशन ही हो रहा है इसमें। तो इस तरह से जो राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि डेविएशन होना। अब इसमें देखिए जैसे आपका दिया हुआ है प्रोक्रेस्टिनेशन आपका दिया हुआ है, तो इसका देखिए मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ या किसी चीज़ को डिले करना या उसको पोस्टपोन करना है कोई एक निश्चित टाइम के लिए होता है इसमें। तो कोई भी एक्शन को डिले करना हो गया या फिर उसको पोस्टपोन करना हो गया, तो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। आप लोग इसको भी याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 11 से 15 तक का है इसमें, तो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है, जिसमें कि आपको ए एंड और द का आपको यूज़ करना है, और या तो फिर नन ऑफ दीज आपको फिल करना है यहाँ पे जहाँ पे भी रिक्वायर्ड होगा। और इसके अलावा जैसे कि आपका यहाँ पे नो आर्टिकल कहीं पे यदि आपका आएगा, तो ये सारे चीज़ भी आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए जो आर्टिकल से रिलेटेड आपका इसमें क्वेश्चंस है, तो इसको देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है और इसके रूल्स भी जो मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, तो यदि आपने उसको अच्छे से देखा होगा, जैसे कि हमने कोल इंडिया लिमिटेड एग्जाम के लिए बताया हुआ था, तो आप लोग इस क्वेश्चन को इजिली कर लीजिएगा, चाहे वो आपका एग्जाम में इस बार भी पूछेगा। तो जैसे क्वेश्चन आपका है कि ही ड्राइव्स एट ए स्पीड ऑफ 90 माइल्स
डैश आर। अब यहाँ पे देखिए आपका आवर आपका दिया हुआ है, इसको हावर बहुत लोग पढ़ते हैं, तो इसमें हा बहुत लोगों को जैसे कि साउंड आ रही है आप लोग सोचे होंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको आवर नहीं, इसको आवर पढ़ाया था। इसमें जो उच्चारण आता है इसमें अ की उच्चारण आपको पहले आता है। तो जैसे कि मैंने आपको रूल बताया हुआ था कि जो हम लोग यहाँ पे जो आर्टिकल का यूज़ करते हैं जैसे ए और एन का, ये सारे क्या होते हैं आपके इनडिफिनिट आर्टिकल होते हैं। तो जो ए और एन का यूज हम लोग करते हैं तो इसको हम लोग यहाँ पे उच्चारण पे डिपेंड करता है, यानी कि जो फर्स्ट जो जो साउंड आता है प्रोनाउंसिएशन का वो आपका किसका आ रहा है, स्वर का आ रहा है या फिर व्यंजन का आ रहा है। तो यदि जो आपका स्वर का उच्चारण आपके आएगा, यानी कि जो आपका स्टार्टिंग के जो वर्ड आपका होता है यानी कि जो फर्स्ट साउंड होगा, तो उसमें यदि आपका मान लीजिए कि स्वर का उच्चारण आ रहा है तो उसमें हम लोग वहाँ पे एन का यूज़ करते हैं। तो देखिए जो हिंदी के जो वर्णमाला होते हैं तो उसमें जो स्वर जो होते हैं जिनको हम लोग इंग्लिश में भवेल बोलते हैं हम लोग, तो उसमें आपका ये सारे वर्ड आपके आने चाहिए, जैसे अ हो गया, आ हो गया, ई, ये सारे जो वर्ड आपके, ये सारे क्या होते हैं स्वर होते हैं। तो ये यदि उच्चारण में आ रहा है आपका पहले, तो वहाँ पे हम लोग एन का यूज़ करेंगे, और बाकी जो इसके रिमेनिंग जो भी होंगे जैसे स्वर के बाद आपका व्यंजन होंगे, तो व्यंजन में आपका इसके अलावा जो और भी रहेंगे तो वहाँ पे अ का यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हैं, जैसे आपका दिया हुआ है अम्ब्रेला, तो यहाँ पे आपका स्टार्टिंग में उच्चारण जो आ रहा है अ की ध्वनि इसमें आ रही है, तो यानी कि ये क्या आपका स्वर का आ रहा है कैटेगरी में, तो इसीलिए यहाँ पे हमने एन का यूज़ किया हुआ है। अब उसी तरीके से यहाँ पे जैसे आपका यूनियन दिया हुआ है तो इसमें आपका यू आ रहा है यानी कि य आ रहा है, तो ये क्या है एक व्यंजन है, तो यहाँ पे हम लोग अ का यूज़ करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे आपका दिया हुआ है अवन रुपी नोट, अब यहाँ पे वन है तो वन में देखिए क्या हो रहा है व आ रहा है, तो व आपका क्या हो रहा है यहाँ पे एक तरीके से ये क्या है एक व्यंजन है, तो इसीलिए यहाँ पे ए का यूज़ करते हैं हम लोग। अब उसके बाद यहाँ पे ये देख लीजिए जैसे आपका ऑनेस्ट है तो इसको हम लोग हॉनेस्ट नहीं, इसको ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, इसमें अ की उच्चारण आपका आएगा शुरुआत में, तो इसीलिए यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे स्वर और व्यंजन जो होते हैं वो ध्वनि कौन से होते हैं और कहाँ पे हम लोग ए और एन का यूज़ करेंगे। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो स्वर और व्यंजन वो हिंदी वाला यहाँ पे फॉलो करेंगे हम लोग, यहाँ पे इंग्लिश वाला फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि जो देखिए जो भवेल जो होते हैं इंग्लिश में आपको ए आई ओ यू होते हैं बेसिकली ये, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको जैसे कि देखने को मिलेगा तो ये सारे जैसे कि आपको ए आई ओ यू है, लेकिन ये बहुत सारे वर्ड ऐसे भी होते हैं कि जो इन्हीं से स्टार्ट होगा लेकिन वहाँ पे एन का यूज़ नहीं, वहाँ पे ए का भी यूज़ होता है। तो आपको यहाँ पे फोकस करना है हिंदी के जो स्वर, जो हिंदी के जो वर्णमाला होते हैं आपको उस पर फोकस करना है। तो इस तरीके से यदि आपको ये रूल आपने देखा होगा अच्छे से और याद रखा होगा, तो क्वेश्चन आपका आर्टिकल से यदि फिल करने के लिए आपका इंडिफिनिट आर्टिकल का आएगा तो आप लोग इजिली कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे भी आपका दिया हुआ है कि आवर आपका दिया हुआ है इसमें, तो इसको हम लोग हावर नहीं, इसको आवर पढ़ते हैं हम लोग, अ की ध्वनि इसमें आपका आएगा, तो यानी कि ये क्या है स्वर की ध्वनि आ रही है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आपका करेक्ट होगा आपका एन का यूज़ करेंगे हम लोग। तो राइट आंसर आपका क्या ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर देखिए अगला है कि आई हैव बिन वेटिंग फॉर डैश लॉन्ग टाइम, अब यहाँ पे भी देखिए आपको जैसे लॉन्ग टाइम आपको दिया हुआ है, तो लॉन्ग टाइम है यहाँ पे, तो लॉन्ग इसमें आपको क्या आ रहा है लॉ की ध्वनि है इसमें आ रही है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे अ का यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर आपका क्या होगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट देखिए इसमें भी आपको आर्टिकल ही फिल करना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सेल फोन्स डू नॉट कॉज कैंसर्स, तो यहाँ पे आर्टिकल फिल करने में आपको थोड़ा सा इसमें देखिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन यदि आपने रूल को देखा होगा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई भी वर्ड आपका है तो यदि वो प्लूरल वर्ब के साथ यानी कि प्लूरल के साथ यदि यूज़ आ रहा होगा, स्टार्टिंग यदि हो रहा होगा, तो वहाँ पे हम लोग कोई भी आर्टिकल का यूज़ हम लोग वहाँ पे नहीं करते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है कि सेल फोन्स है इसमें, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, तो ये आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये सिंपली हम लोग इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि सेल फोन्स डू नॉट कॉज कैंसर्स, तो ये चीज़ आपने रूल में देखा होगा। फिर देखिए अगला आपका है कि व्हाट वुड यू लाइक फॉर ब्रेकफास्ट, अब यहाँ पे भी देखिए जैसे कि इसको हम लोग सिंपली एज इट इज़ पढ़ते हैं, यहाँ पे भी कोई आर्टिकल का यूज़ आपका नहीं होगा, कि जैसे व्हाट वुड यू लाइक फॉर ब्रेकफास्ट, यहाँ पे कोई आर्टिकल का भी यूज़ नहीं होगा आपका। फिर देखिए अगला आपका दिया हुआ है कि डैश फूड यू कुक्ड वॉज वेरी गुड, अब यहाँ पे जैसे फूड के बारे में बात कही जा रही है और बताया जा रहा है कि जो फूड तुमने कुक किया था वो बहुत ही अच्छा था, तो यहाँ पे आपको डिफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है स्पेसिफिक चीज़ हो जा रहा है कि वो कुक यानी कि वो खाना जो तुमने बनाया था वो बहुत ही अच्छा था, तो यहाँ पे तारीफ की जा रही है कि जो खाना उसने बनाया था, तो यहाँ पे वो एक डिफिनेट सी आर्टिकल आपको यूज़ करना, क्योंकि यहाँ पे डिफिनेट बात कही जा रही है, तो इसलिए इसमें राइट आंसर हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे यानी कि ऑप्शन बी द का यूज़ करेंगे। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग कि द फूड डैट यू कुक वॉज वेरी गुड।
तो थैंक यू दोस्तों। अब देखिए इसके बाद का जो क्वेश्चन आपका था कि जैसे 16 से लेकर 25 तक का, तो वो आपका एक पैसेज है और उसमें बहुत सारे मल्टीपल वैरायटीज के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हम उसको अलग से सेपरेट टॉपिक में उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया बताएंगे कि किस तरीके से है जो आपको पैसेज को पढ़ के आंसर करना होगा। क्योंकि उसमें देखिए जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो 10 क्वेश्चन थे, और वो मतलब कि डायरेक्टली वो क्वेश्चन नहीं थे कि जैसे पैसेज आपने पढ़ा और आपने उसको समझ के आंसर कर दिया। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि उसमें वर्ड मीनिंग के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बहुत सारे चीज़ हम लोग एक सेपरेट टॉपिक में करके आपको वीडियो बना देंगे, क्योंकि अगर पैसे से क्वेश्चन आपका आएगा तो वो अगर ज़्यादा आ गया तो आपको थोड़ा सा उसको स्मार्ट वे में करना होगा, जो कि हम उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।